2002 में पार्टी बना करके बनारस के राजभर महाराजा सुहेल देव पार्क सारनाथ वाराणसी से जब हम लोग गांव गांव घूमने लगे तो विरोधी पार्टी के लोग ये कहते थे इन्होंने कभी प्रधान न बने, हम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे, हम उनके जो विरोध का हम अपने दिल में अमल करते हैं और उसका पालन करते हैं। फिर हम लोग कुछ आगे बढ़े, कुछ प्रधान होने लगे, चुनाव आया, प्रधान हुए, पार्टी पहला चुनाव बनारस में ही की गई, गांव लड़ी, 187 वोट मिला था मात्र बाई इलेक्शन में। तो विरोधियों ने कहा कि अभी खत्म, हमने कहा कि चलो भाई आपके दिमाग में हम खत्म, हम और तेज दौड़ना चाहते हैं। धीरे 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 पार्टी को आप लोगों के सहयोग से उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज 21 साल पूरा हुआ है पार्टी को। 21 साल में पार्टी ने क्या क्या हासिल किया, हम आपका ध्यान 2017 के चुनाव में ले चलते हैं। 2017 में जब 4 एमएलए हम लोगों ने जीता, 580 जिला पंचायत, 580 ग्राम प्रधान जीता और 362 जिला पंचायत सदस्य जीते, तो विरोधियों ने कहा कि मंत्री नहीं बन सकते। जब मंत्री बन गए तो कई मंत्री तो बन गए लेकिन विभाग नहीं चला सकते। हमने कहा चला के भी दिखा दिया, ईमानदारी से कमाओ, मजदूरी करो, मेहनत करो, बेटा बेटी को पढ़ाओ। और माताओं बहनों बुजुर्गों, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि देखो आप लोग भी जाते हो रैली में, मीटिंग में, अब समय आ रहा है, अब आपके दिशा में पूरे देश के नेताओं को मजबूर करूंगा आपके हक अधिकार के दिशा में सोचने के लिए। आज देखो हम लोग चिल्लाते थे कि आधी आबादी महिलाओं की, 35-50% आरक्षण लागू करने की बात, बधाई देता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो काम कांग्रेस ने नहीं कर पाई, जो काम सपा नहीं कर पाई, बसपा नहीं कर पाई, देश की सारी पार्टियां नहीं कर पाई, उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज 35% आरक्षण महिलाओं को लागू हो गया। तो माताओं बहनों, नौजवानों बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में जब सीटें लोकसभा विधानसभा की सुरक्षित होंगी तब आपको खोजना पड़ेगा। तो जैसे प्रधानी के चुनाव में महिला सीट सुरक्षित, तो घर में रोटी बेलने वाले को आप उठा के प्रधानी का चुनाव लड़ा देते हो, आप तो चले जाते हो बीडीओ से तालमेल कर लेते हो, सेक्रेटरी से कर लेते हो, एडीओ से कर लेते हो, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के अंदर किसी से गठबंधन नहीं करना पड़ेगा। अगर महिला जीत के जाएगी तो विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर वही जाएगी, वहां आप नहीं जा सकते हो, ये पाबंदी होती है सड़क के अंदर। इस नाते जो हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको राजनीति में आगे करो, उनको राजनीति में ले आओ। अगर कोई कहता है कि राजनीति खाए के गई, उनको बता देना कि राजनीति अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं किया होता तो आज देश की राजनीति में समाज को ऊंचाई पर दिखाने लायक नहीं रहता अगर राजनीति नहीं किए होते। राष्ट्र निर्माण तब सफल होगा जब एक समान शिक्षा होगी, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो और गरीबों को फ्री शिक्षा की व्यवस्था हो, तब जाकर के राष्ट्र निर्माण की बात आगे आएगी। एंकर ने पूछा कि क्यों, हमने कहा बताओ आप भाई, जो गरीब पढ़ा लिखा नहीं है वो राष्ट्र निर्माण की परिभाषा क्या जानेगा? जब तक वो राष्ट्र निर्माण की राष्ट्र की परिभाषा नहीं जानेगा तब तक वो राष्ट्र के लिए काम नहीं करेगा। प्रियंका ने कहा कि अब तक जितने लोग यहाँ हमारे डिबेट में आए, सबसे अच्छा सुझाव ओम प्रकाश राजभर जी आपका है, राष्ट्र के सवाल से जो आपने कहा है। हम तो ये बात चाहते हैं, ये इसलिए हम परेशान है कि आज देश में गरीब कमजोर लोग, चाहे किसी जाति का हो, आज जब प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाता है, फीस देना होता है, तब उसको मालूम होता है कि क्या उसके ऊपर बीत रही है। इस नाते हम कानून के चक्कर में, हमने प्रधानमंत्री जी से इस बात को कहा कि हमारे यहाँ दो तरह की शिक्षा है,
अमीर का बेटा कॉन्वेंट में प्राइवेट स्कूल में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कबूतर पढ़ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब वही लड़का दोनों जाते हैं किसी परीक्षा में बैठते हैं नौकरी के लिए, तो गरीब का बेटा फेल हो जाता है और अमीर का बेटा पास हो जाता है। यही हमारी दुर्गति का कारण। आप बताओ, ये बात मैंने सही कहा वहां की गलत कहा? किसी नेता की अवकाश है कहने की? देश में हम तो देश की चुनौती देते हैं। मैं तो वहां जाता हूँ, देखता हूँ, जो नेता जाता है अपने टिकट की बात करता है, अपने मंत्री बनने की बात करता है।